अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल विल बी फाइन। वी आर गोइंग टू स्टडी कंप्यूटर क्लास 5। ओपन द बुक, ओपन पेज नंबर 5। चैप्टर नंबर 1 इज एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स। लेट अस सी ऑब्जेक्टिव फर्स्ट, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। आफ्टर रीडिंग दिस चैप्टर यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई एंड लिस्ट द अर्ली कैलकुलेटिंग डिवाइसेस। Number 2, mention the characteristics of the earlier devices. Number 3, list the features of generation of the computers. And last one is identify and list the types of computer. So first of all, I am going to discuss history of computer. Do you know what is the meaning of computer? The device which makes computations or calculations is called computer. The reason behind the computer invention was to make calculation easier. Let us explore the history of computer right from early days. Dear children, you all have learned about the computer and its different parts in your previous classes. आपने computer और उसके different parts के बारे में previous classes में पढ़ा होगा. The computer help us in doing numerous tasks as well as many calculations. कंप्यूटर हेल्प करता है हमें डिफरेंट टास्क परफॉर्म करने के लिए एज वेल एज मैनी कैलकुलेशंस। कैलकुलेशन के साथ साथ वो और भी बहुत सारे काम करता है। यू कैन आल्सो परफॉर्म मैनी अदर एक्टिविटीज़ ऑन द कंप्यूटर। आप कंप्यूटर पर इसके अलावा और बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। बट हैव यू एवर इमेजिन हाउ कंप्यूटर्स वर डिवेलप। लेकिन क्या आपने इमेजिन किया है कभी कि कंप्यूटर कैसे डिवेलप हुआ एंड इवॉल्व ओवर द ईयर्स टू व्हाट यू प्रेजेंटली सी इन फ्रंट ऑफ यू। और कैसे इवॉल्व हुआ ओवर द ईयर्स, सालों में, टू व्हाट यू प्रेजेंटली, कि क्या ये ऐसे ही है जैसे हमारे सामने आज हमें नज़र आ रहा है, ऐसे प्रेजेंट में जो हमें नज़र आ रहा है ऐसा ही था कंप्यूटर क्या? इन द अर्ली डेज पीपल यूज स्टोन स्टिक्स और बोन्स फॉर काउंटिंग। अर्ली डेज में लोग जो हैं वो काउंटिंग करने के लिए, गिनने के लिए स्टोन्स स्टिक्स और बोन्स को यूज़ करते थे। बट इट वॉज़ ऑब्वियसली नॉट पॉसिबल टू डू बिग कैलकुलेशन। लेकिन ये बिग कैलकुलेशन, इनके बड़ी कैलकुलेशन के लिए पॉसिबल नहीं है। मैनी डिफरेंट मैथड्स एंड डिवाइसेज वर डिवेलप विच कुड डू फास्ट एंड एक्यूरेट कैलकुलेशंस। बहुत सारे मुख्तलिफ मैथड और डिवाइसेस जो हैं वो डिवेलप हुई बाद में, जो फास्ट कैलकुलेशन कर सकती थी और एक्यूरेट यानी कि सही कैलकुलेशन कर सकती थी। लेट अस टेक अ ग्लिम्स एट सम ऑफ अर्लियर डिवाइसेस। अब हम अर्लियर डिवाइसेस पे कुछ एक झलक देखेंगे कि वो अर्लियर डिवाइसेस कौन कौन सी थी और कैसी थी। सो नंबर 1, अबाकस वॉज़ द फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस। फर्स्ट डिवाइस जो थी वो कौन सी थी? अबाकस। अबाकस इट वॉज़ इन्वेंटेड बाय द चाइनीज अबाउट 5000 ईयर्स अगो। इसको इन्वेंट किया चाइनीज ने 5000 ईयर्स अगो। लुक एट द पिक्चर फिगर 1.1। अबाकस लुक लाइक दिस। ठीक है, अबाकस इस तरह की मशीन थी, डिवाइस थी। द रेक्टेंगुलर फ्रेम ऑफ The abacus had a series of vertical rods on which a number of wooden beads were allowed to slide up and down freely. Abacus जो थी वो एक rectangular frame पर मुश्तमिल थी और उसमें vertical rods थे। ठीक है, vertical rods on which a number of wooden beads, ये वाले vertical rods थे। ठीक है, ये वर्टिकल रॉड्स और उन रॉड्स पे ये बीड्स जो रेड कलर में आपको नज़र आ रहे हैं, ये बीड्स थे। और ये बीड्स जो थे वो स्लाइड अप एंड डाउन फ्रीली जो हैं वो ऊपर नीचे मूव करते थे। द अबाकस वॉज यूज्ड टू डू सिंपल कैलकुलेशंस लाइक एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अबाकस हम यूज़ करते थे सिंपल कैलकुलेशन करने के लिए लाइक एडिशन एंड सब्ट्रैक्शंस। इनकी मूवमेंट के से बीड्स को अप एंड डाउन मूव करके एडिशन एंड सब्ट्रैक्शंस परफॉर्म करते थे। द थ्री मोस्ट पॉपुलर टाइप ऑफ द अबाकसेस वर द चाइनीज, जैपनीज एंड रशियन। जो थ्री पॉपुलर टाइप ऑफ अबाकसेस थी वो चाइनीज थी, जैपनीज एंड रशियन।
सो नेक्स्ट डिवाइस इज नेक्स्ट डिवाइस पास्कलाइन. पास्कलाइन ब्लेज पास्कल अ फ्रेंच मैथमेटिशियन इन्वेंटेड पास्कलाइन इन 1642. ब्लेज पास्कल एक फ्रेंच मैथमेटिशियन जिसने इन्वेंट किया पास्कलाइन को 1642 में. इट वॉज यूज टू डू द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन नॉट मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन फंक्शन. ये इसे यूज़ करते थे एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने के लिए, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन के लिए नहीं. लुक एट फिगर 1.2. पास्कलाइन मशीन लुक लाइक दिस. पास्कलाइन मशीन ऐसी थी, फिगर में आपको नज़र आ रही है. पास्कलाइन मशीन वॉज मेड अप ऑफ अ रेक्टेंगुलर बॉक्स. पास्कलाइन मशीन जो है वो रेक्टेंगुलर बॉक्स से बनी हुई थी. टर्न द पेज, पेज नंबर 5. मेड अप ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स विथ 8 मूवेबल व्हील्स. और उसके कितने मूवेबल व्हील्स थे? 8 मूवेबल व्हील्स. इट कुड ऑल्सो डू द कैरी ओवर ऑपरेशन. ये क्या कर सकती थी? कैरी ओवर ऑपरेशन. एडिशन सब्ट्रैक्शन में जब हम टू डिजिट एडिशन करती हैं तो उसमें हमें समटाइम कैरी लेना पड़ता है, कैरी बॉरो करना पड़ता है. तो ये वाली मशीन जो है कैरी ओवर ऑपरेशन कर सकती थी ऑटोमेटिकली. पास्कलाइन इज ऑल्सो नोन एज प्लेस इज ऑल्सो नोन एज अ पास्कल एडिंग मशीन. पास्कलाइन मशीन को पास्कल एडिंग मशीन भी कहा जाता है. सो नंबर 3, नेपियर बोन्स. नेपियर बोन्स वाज अ कैलकुलेटिंग डिवाइस मेड बाय जॉन नेपियर. नेपियर बोन एक कैलकुलेटिंग डिवाइस है, इसको जॉन नेपियर ने बनाया. इट वाज मेनली यूज्ड टू डू मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन टास्क. इसको हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन टास्क के लिए इसको यूज़ करते थे. दिस डिवाइस कंसिस्टेड ऑफ अ बोर्ड विद अ रिम. ये डिवाइस एक बोर्ड पर मुश्तमिल थी. लुक एट द फिगर 1.3. सो दिस डिवाइस कंटेन्स अ बोर्ड एंड विद अ रिम. रिम ये बोर्ड का, सो दिस इज अ रिम. द बोर्ड लेफ्ट एज वॉज डिवाइडेड. बोर्ड लेफ्ट एज वॉज डिवाइडेड इंटू 9 स्क्वायर. बोर्ड का जो लेफ्ट एज था इसको 9 स्क्वायर्स में डिवाइड किया गया था, हैविंग द नंबर 1 to 9, और 1 to 9 इसको नंबरिंग दी गई थी. ये जैसे ये लेफ्ट एज देखें, यहाँ पर लेफ्ट एज 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. द नेपियर रॉड हैड स्ट्रिप्स ऑफ वुड बेयरिंग सम नंबर्स फॉर कैरिंग आउट द कैलकुलेशंस. इसमें ये कैसे होता था कि नेपियर रॉड में जो स्ट्रिप है, ये स्ट्रिप्स, इनको स्ट्रिप्स कहते हैं, और ये वुड बेरिंग लकड़ी के ऊपर ये स्ट्रिप्स थी, और ये इनसे फॉर कैरिंग आउट कैलकुलेशंस, ये कैरिंग आउट हम ये स्ट्रिप्स के ऊपर कैलकुलेशंस कैलकुलेशन होती थी. अब ये देखें कैसे होगी. 9, ये 9, 1, उसके बाद 9 मल्टीप्लाई बाय 1 है तो 1/9. 9, 1, 9 multiplied by 2, 1, 8, 18. फिर 9 multiplied by 3, ये 2, 7 दिए. ये इसको लोग्राथम की फॉर्म में ये आपको उन्होंने दी हुई है इसका इसकी मल्टीप्लीकेशन. 9, 4, 36. 9, 5, 45. फिर 9, 6 है 54. फिर 9, 7 है 62. देन 9, 8 है 72. फिर 9, 9, 81. इसी तरह ये 2 की यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन 4. 2, 3, 6. 2, 4, 8. 2, 5, 10. 2, 6, 12. सिमिलरली ये 0 की, 0 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे इन नंबर से तो 0 मल्टीप्लाई बाय 2, 0. 0 मल्टीप्लाई बाय 3, 0. 0 मल्टीप्लाई 4, 0. फिर 8 मल्टीप्लाई बाय 2, 16. 8 मल्टीप्लाई बाय 3, 24. 8 मल्टीप्लाई 4, 32. 8 मल्टीप्लाई बाय 5, 40. सिमिलरली 6 की आप करेंगे 6 मल्टीप्लाई बाय 2, 12. 6 मल्टीप्लाई बाय 3, 18. फिर 6 मल्टीप्लाई बाय 4, 24. 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 8. 4 मल्टीप्लाई बाय 3, 12. 16, 20. तो इस तरीके से ये इसकी मल्टीप्लीकेशन होती थी. सो नेक्स्ट डिवाइस इज लैबनीज कैलकुलेटर.
लेबनीज इन्वेंटेड अ मशीन टू परफॉर्म मेनली द मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन फंक्शन. लेबनीज ने जो मशीन इन्वेंट की थी इसे हम ये परफॉर्म करती थी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन फंक्शन. इट वॉज इम्प्रूव्ड अपॉन पास्कल एडिंग मशीन. ये पास्कल एडिंग मशीन का इम्प्रूव वर्जन था. दिस इज़ मेनली मेड अप ऑफ स्टील एंड कॉपर. इसको किससे बनाया गया था? स्टील और कॉपर से. सो लेबनीज कैलकुलेटर मशीन. दिस पिक्चर शोज द लेबनीज कैलकुलेटर. ये पिक्चर लेबनीज कैलकुलेटर को शो कर रही है. लेबनीज कैलकुलेटर मशीन ऐसी थी. सो नेक्स्ट डिवाइस इज जैकार्ड लूम. जैकार्ड लूम वॉज इन्वेंटेड बाई जोसेफ मैरी जैकार्ड इन 1801. जैकार्ड लूम किसने इन्वेंट की थी? जोसेफ मैरी जैकार्ड ने 1801 में. इट वॉज द फर्स्ट मशीन टू यूज़ पंच कार्ड टू कंट्रोल अ सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन. ये पहली मशीन थी जिसे हम यूज़ करते थे. इसमें हम यूज़ करते थे पंच कार्ड. पंच कार्ड का क्या पर्पज़ था? पंच कार्ड इज़ यूज टू कंट्रोल अ सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन. ये ऑपरेशन के सीक्वेंस को कंट्रोल करता था. पंच कार्ड कैसे? व्हाट इज़ अ पंच कार्ड? पंच कार्ड इज़ अ पीस ऑफ पेपर दैट कंटेन्स द इंफॉर्मेशन फॉर डूइंग कैलकुलेशन. पंच कार्ड जो है वो एक पेपर का पीस है जिसमें इंफॉर्मेशन है फॉर डूइंग कैलकुलेशन. जिस वो इंफॉर्मेशन जिससे हमने कैलकुलेशन करनी है. दिस इंफॉर्मेशन इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द होल्स इन इट. ये इंफॉर्मेशन जो है वो रिप्रेजेंट होती है होल्स के थ्रू. सो जैकार्ड लूम लुक लाइक दिस. जैकार्ड लूम जो है वो ऐसी डिवाइस थी और इसमें ये होल्स हैं. होल इन पेपर, पेपर के ऊपर होल्स हैं और इन होल्स में इंफॉर्मेशन है. होल्स इज रिप्रेजेंटेड बाय इज रिप्रेजेंटेड इंफॉर्मेशन. सो नेक्स्ट डिवाइस डिफरेंस इंजन. डिफरेंस इंजन चार्ल्स बैबेज डिवेलप द डिफरेंस इंजन इन 1823. चार्ल्स बैबेज ने डिफरेंस इंजन को डिवेलप किया 1823 में. दिस मशीन कुड सॉल्व कॉम्प्लेक्स फंक्शन एंड कैलकुलेशन ऑफ मैथमेटिक्स. ये मशीन सॉल्व कर सकती थी कॉम्प्लेक्स फंक्शंस को और कैलकुलेशंस को. मैथ्स की कॉम्प्लेक्स फंक्शन और कैलकुलेशंस. इम्प्रूवमेंट वर बींग मेड ऑन दिस मशीन एंड फाइनली इन 1834 चार्ल्स बैब नेम्ड दिस इम्प्रोवाइज वर्जन ऑफ डिफरेंस इंजन एज एनालिटिकल इंजन. इस मशीन में कुछ इम्प्रूवमेंट करके चार्ल्स बैबेज ने 1834 में एक न्यू डिवाइस एक न्यू मशीन बनाई जिसको हम कहते हैं एनालिटिकल इंजन. सो डिफरेंस इंजन. दिस पिक्चर शोज डिफरेंस इंजन. डिफरेंस इंजन ऐसा था फिगर 1.6. एंड एनालिटिकल इंजन लुक लाइक दिस. एनालिटिकल इंजन 1.7. और एनालिटिकल इंजन जो है वो बेस था कंप्यूटर की. जो आज कंप्यूटर हम यूज़ करते हैं उसकी बेस जो है वो है एनालिटिकल इंजन. एनालिटिकल इंजन. एनालिटिकल इंजन वॉज द इम्प्रूव वर्जन ऑफ डिफरेंस इंजन. एनालिटिकल इंजन जो है वो डिफरेंस इंजन का इम्प्रूव वर्जन है. इम्प्रूव वर्जन था. चार्ल्स बैबेज इन्वेंटेड दिस मशीन इन 1834. चार्ल्स बैबेज ने इस मशीन को 1834 में इन्वेंट किया. इट वॉज केपेबल ऑफ परफॉर्मिंग ऑल द बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशन एंड कंपेरिजन. ये केपेबल थी, ये परफॉर्म कर सकती थी अर्थमेटिक और कंपेरिजन ऑपरेशन. सो वट इज़ अर्थमेटिक वट आर अर्थमेटिक ऑपरेशन? अर्थमेटिक ऑपरेशन क्या है? अर्थमेटिक ऑपरेशन एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन्स, एक्सपोनेंशियल, ये सारे अर्थमेटिक ऑपरेशन हैं. ये सब ऑपरेशन ये परफॉर्म कर सकती थी मशीन. एंड कंपेरिजन. कंपेरिजन मीन्स कंपेरिजन ऑपरेशन लेस दैन ग्रेटर दैन इक्वल्स टू. इट आल्सो हैड द कैपेबिलिटी टू चेंज द वैल्यू स्टोर्ड इन इट्स मेमोरी. और इसमें कैपेबिलिटी थी मेमोरी में जो वैल्यू स्टोर है उनको चेंज करने की. यानी कि फर्स्ट जो मशीन थे और फर्स्ट डिवाइस थी जो जिसमें मेमोरी थी डाटा को स्टोर करने के लिए. इन सब पहले वाली जितनी भी डिवाइसेस हैं मशीन्स हैं उनमें हम डाटा को स्टोर नहीं कर सकते. इसमें हम डाटा को स्टोर कर सकते थे, उसके लिए मेमोरी थी. और उन डाटा को अगर हमने चेंज करना है तो वो भी कर सकते हैं. एनालिटिकल इंजन वॉज बेस्ड अपॉन द कंसेप्ट ऑफ इनपुट प्रोसेस आउटपुट. एनालिटिकल इंजन किसकी कॉन्सेप्ट की बेस पर है? इनपुट प्रोसेस आउटपुट. यानी कि इसमें हम इनपुट देते थे देन प्रोसेस एंड देन आउटपुट. दिस मशीन वॉज पावर्ड बाई अ स्टीम इंजन. इस मशीन को पावर्ड करते थे स्टीम इंजन के थ्रू. द इनपुट्स वर प्रोवाइडेड थ्रू पंच कार्ड्स. पंच कार्ड के थ्रू इनपुट
इंसर्ट करते थे एंड आउटपुट हैड अ प्रिंटर प्लॉटर एंड अ बेल, और आउटपुट जो है वो प्रिंटर प्लॉटर और बेल के थ्रू शो होती थी। मस्ट नाउ चार्ल्स बैबेज इज नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर, ही इवॉल्व द कंसेप्ट ऑफ अ प्रोग्रामेबल कंप्यूटर। चार्ल्स बैबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर, चार्ल्स बैबेज इज नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर। इसने प्रोग्रामेबल कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट दिया। जो आज हम कंप्यूटर यूज़ करते हैं वो किस कॉन्सेप्ट के बेस पर है, एनालिटिकल इंजन के कॉन्सेप्ट के बेस पर है। सो दैट्स वाई चार्ल्स बैबेज इज नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर। कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक इज जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर। Basically, the term generation refers to how hardware and software has evolved over time. Generation का term जो है वो refer करता है कि over time, with the passage of time, hardware और software कैसे evolved हुआ। The history of computer development is referred to with respect to the different generation. Computer development की जो history है वो refer करती है किस विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट जनरेशन के रिस्पेक्ट के साथ, यानी कि डिफरेंट जनरेशन के साथ कि कंप्यूटर जो डेवलपमेंट की हिस्ट्री है वो डिफरेंट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर को रेफर करती है। द साइज ऑफ कंप्यूटर हैज़ डिक्रीज ड्रास्टिकली एंड द स्पीड स्टोरेज कैपेसिटी एंड रिलायबिलिटी हैव इंक्रीज मैनीफोल्ड। क्या है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे जनरेशन आई कंप्यूटर की, उसका साइज डिक्रीज होता गया ड्रास्टिकली तेज़ी से, और स्पीड स्टोरेज कैपेसिटी और जो उसकी रिलायबिलिटी थी वो इंक्रीज होती गई। ईच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इज़ मार्क्ड बाय अ मेजर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। जो हर कंप्यूटर की जनरेशन है उसमें एक मेजर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुई। सो लेट अस डिस्कस वन बाय वन दीज कंप्यूटर जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। अब हम इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे इन कंप्यूटर जनरेशंस को। सो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर स्टार्ट 1951 टू 1959। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर स्टार्ट हुए 1951 से 1959 में। सो व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं। द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वर बेस्ड अपॉन द यूज़ ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स जो हैं वो उनकी जो बेस है वो वैक्यूम ट्यूब है। वैक्यूम ट्यूब हम यूज़ करते थे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में। सो वैक्यूम ट्यूब, दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब जो है वो ऐसा है, फिगर 1.8। दे वर वेरी एक्सपेंसिव एंड बिग इन साइज। ये बहुत एक्सपेंसिव थे और साइज में बड़े थे। The processing speed was also very slow. इनके processing speed बहुत slow थी। Examples of first generation computer are UNIVAC I, Universal Automatic Computer and ENIAC, Electronic Numerical Integrator and Computer. जो first generation computer थे वो थे UNIVAC and ENIAC. ENIAC was the first computer developed. जो सबसे पहले computer, सबसे पहला computer जो develop हुआ था वो था ENIAC. So look at figure 1.8. द ENIAC जो फर्स्ट कंप्यूटर ENIAC थे वो ऐसे थे, साइज में इतने बड़े साइज में, एक रूम के बराबर साइज था फर्स्ट जो जनरेशन कंप्यूटर्स थे उनका। टर्न द पेज ओके। नेक्स्ट सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर स्टार्ट 1959 टू 1965। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर स्टार्ट हुए 1959 से 1965 में। ट्रांजिस्टर वर यूज इन प्लेस ऑफ वैक्यूम ट्यूब इन सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर यूज़ करते थे इन प्लेस ऑफ वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब की जगह किसने ले ली थी, ट्रांजिस्टर ने। ट्रांजिस्टर लुक एट द फिगर 1.9। सो दिस इज़ द पिक्चर ऑफ ट्रांजिस्टर। ये ट्रांजिस्टर की पिक्चर, ट्रांजिस्टर ऐसे होते थे। दे वर स्मॉलर इन साइज, ये साइज में छोटे थे, फास्टर एंड चीपर देन द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, और चीपर थे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर से। एग्जाम्पल ऑफ सेकेंड जनरेशन इज IBM 1401 एक्सेट्रा। जो सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर थे इसकी एग्जाम्पल थी IBM 1401।
सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर मूव फ्रॉम मशीन लैंग्वेज टू असेंबली लैंग्वेज. सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स जो थे वो मशीन लैंग्वेज से असेंबली लैंग्वेज में मूव हुए थे. विच अलाउड प्रोग्रामर टू स्पेसिफाई इंस्ट्रक्शंस इन वर्ड्स. यानी कि असेंबली लैंग्वेज में हम जो भी इंस्ट्रक्शंस राइट करते हैं वो इन वर्ड्स की फॉर्म में राइट करते हैं. तो मशीन लैंग्वेज जो है वो लो लेवल लैंग्वेज है, असेंबली लैंग्वेज भी लो लेवल लैंग्वेज है, लेकिन असेंबली लैंग्वेज का जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनमें हम वर्ड्स यूज़ करते हैं, जबकि मशीन लैंग्वेज में हम सिर्फ बाइनरी फॉर्म में इंस्ट्रक्शंस को राइट करते हैं, जीरो और वन के फॉर्म में. सो लुक एट द फिगर 1.9. इस फिगर को देखें. ये फिगर जो है सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर जो है वो इस तरीके के थे. IBM 1401 है. नंबर 3, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर जो हैं स्टार्ट विद 1965 टू 1975 से स्टार्ट हुए थे 1971 तक. द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर वर जनरली मच स्मॉलर इन साइज. थर्ड जनरेशन कंप्यूटर जो हैं वो साइज में बहुत स्मॉलर थे देन देयर अर्लियर वर्जन. यानी कि पहले फर्स्ट और सेकेंड के कंपेरिजन में ये साइज में छोटे थे. इंटीग्रेटेड सर्किट्स वर यूज्ड इन दीज कंप्यूटर्स फॉर द फर्स्ट टाइम. इस कंप्यूटर में फर्स्ट टाइम इंटीग्रेटेड सर्किट्स यूज हुए थे. सो व्हाट इज इंटीग्रेटेड सर्किट. इंटीग्रेटेड सर्किट क्या है. इंटीग्रेटेड सर्किट अ थिन चिप कंसिस्टिंग ऑफ एटलीस्ट टू इंटरकनेक्टेड सेमीकंडक्टर डिवाइस मेनली ट्रांजिस्टर्स. यानी कि इंटीग्रेटेड जो है इज मेड अप ऑफ टू और मोर ट्रांजिस्टर्स. इंटीग्रेटेड सर्किट जो है वो दो या उससे ज़्यादा ट्रांजिस्टर से मिलकर बने हुए थे. इसकी कैपेसिटी जो थी वो ज़्यादा थी. कीबोर्ड एंड मोनीटर वर यूज्ड एज इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस. कीबोर्ड और मोनीटर हम यूज़ करते थे थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में एज ए इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस. स्पीड वॉज इंक्रीज एंड द कंप्यूटर बिकेम मोर एफिशिएंट. स्पीड जो थी वो इसकी ज़्यादा थी और कंप्यूटर जो थे वो ज़्यादा एफिशिएंट वे में वर्क करते थे. सो दिस इज़ द पिक्चर ऑफ थर्ड जनरेशन कंप्यूटर. थर्ड जनरेशन कंप्यूटर की पिक्चर है ये. इसमें देखिए मॉनिटर हम यूज़ करते हैं और कीबोर्ड. एग्जाम्पल ऑफ थर्ड जनरेशन कंप्यूटर आर IBM 360, एप्पल 2C एक्सेट्रा. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. द डिवाइस पास्कलाइन इज नेम्ड आफ्टर होम. पास्कलाइन डिवाइस का नेम जो है वो किस पर रखा गया. ब्लेज पास्कल. क्वेश्चन नंबर 2, विच कंप्यूटर इज़ द फर्स्ट वन टू बी डिवेलप. फर्स्ट कंप्यूटर जो डिवेलप हुआ वो कौन सा था. ENIAC. नंबर 3, डैश वर यूज इन प्लेस ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स इन सेकेंड जनरेशन. सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में हम क्या प्लेस किया, वैक्यूम ट्यूब की जगह क्या प्लेस किया था. ट्रांजिस्टर्स. सो आई होप आई क्लियर माई पॉइंट्स. सो टूवर्ड्स नेक्स्ट कम टू द कॉपी वर्क. कॉपी वर्क पे आप आ जाएं. कॉपी वर्क राइट डेट ऑन द टॉप ऑफ द पेज. राइट चैप्टर नेम, चैप्टर नंबर, चैप्टर नेम. एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर. सो क्वेश्चन नंबर 1 राइट. राइट डाउन द फुल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स. इन टर्म्स की फुल फॉर्म राइट करें. यूनिवेक. इसी तरह आपने इसको ब्लैक पेन के साथ राइट करना है. यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर ENIAC. इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर. एंड नंबर 3, IC इंटीग्रेटेड सर्किट. LSI लार्ज स्केल इंटीग्रेशन. देन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 1, विच इज़ द फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस. पहली कैलकुलेटिंग डिवाइस कौन सी है. आंसर अबाकस इज़ द फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस. आपने इसको ऐसे ही राइट करना है क्वेश्चन विद ब्लैक पेन एंड आंसर आपने ब्लू से लिखने राइट करें या फिर पेंसिल से. क्वेश्चन नंबर 2, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर. फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है. चार्ल्स बैबेज इज़ नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर. क्वेश्चन नंबर 3, विच डिवाइस कंसिस्ट्स ऑफ अ बोर्ड एंड अ सेट ऑफ रॉड्स. कौन सी डिवाइस जो है वो बोर्ड और सेट ऑफ रॉड पर मुश्तमिल है. नैपियर बोन. नैपियर बोन कंसिस्ट ऑफ अ बोर्ड एंड अ सेट ऑफ रॉड्स. ओके नाउ कम टू द होमवर्क. होमवर्क पे आ जाएं. तो आज का आपका होमवर्क जो है वो क्या है. आपका जो होमवर्क है वो ये है.
बल्कि लर्न पेज, ये वाला आपका होमवर्क है, लर्न पेज 5 to 9 ऑफ चैप्टर 1 एंड रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है, ये आपका होमवर्क है, ये वाला होमवर्क नहीं, ये वाला, लर्न पेज 5 to 9 ऑफ चैप्टर 1 एंड रिलेटेड क्वेश्चन आंसर। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।